जी आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो बी एंड एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट हमारे पास रुपीज 50 एंड रुपीज 1। अब हमने रेशो निकालनी है। अब रेशो निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रेशो को साइन लगाएंगे और ये 0 से 0 से कैंसिल, 5 पर डिवाइड करें, ये हमारे पास 15 एंड 25 एंड 3 5, ये हमारे पास रुपीस और ये हमारे पास रुपीस, ये हमारे पास रेशो आ गए। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। अब इसको हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 300 सेंटीमीटर आ गया। अब देखें, सेम बन गए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 0 से 0 कैंसिल, 5 पर डिवाइड करते हैं तो हम 3 पर 15 एंड 10 आएगा, और इसको मजीद 5 पर करें तो 3:2 आ जाएगा। ये हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जिसे हम 3/2 में लिख सकते हैं, इसे भी हमने 3/5 लिख सकते हैं। और अब हमारे पास थर्ड, हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 kg, 2 kg ग्राम। अब ये हमारे पास ग्राम में है और ये किलो में है, ये भी हमारे पास किलो में है। अब क्या करते हैं, इन सब को हम या ग्राम बना देते हैं या किलोग्राम बना देते हैं। मैं यहाँ इनको ग्राम बनाऊंगा। अगर इसको मैं किलोग्राम बनाऊंगा तो हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा जवाब, यानी इशारे में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इनको हम मुकम्मल में बदलते हैं, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4000 ग्राम रेशो 2000 ग्राम रेशो 750 ग्राम, ये सारे ग्राम बन गए। अब देखें, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारे पास 400 आप देखें किस पर इसको काटते हैं हम, 5 पर, मजीद इसको 5 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 16 ग्राम, 18 ग्राम एंड 3 ग्राम। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। फोर्थ पार्ट हमारे पास
फोर्थ पार्ट में हमारे पास 27 मिनट 30 सेकेंड 1 आवर। अब देखें मिनट है तो 60 जरा मल्टीप्लेक्स 27 रेशो 30 सेकेंड रेशो 1 आवर है। 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं। ये सारे के सारे मैंने क्या बना दी, सेकेंड बना दी। इसको आपने मल्टीप्लाई कर कर और इनकी सिंपलीफाई आपने खुद कर लेनी है। इस तरीके से पांचवा सवाल है 75 डिग्री एंड इसको भी आपने मजीद खुद कर लेना है। 7 ये 3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, जिसे हम 1:3 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट आर बॉयज आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट आर बॉयज। वो कहता है एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, 60 तुलबा हैं, 25 गर्ल्स की है, बाकी जो बच जाते हैं वो बॉयज की हैं। अब गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 25। बॉयज कितने बच गए, टोटल हमारे पास 60 है, 60 में से जब 25 जाएंगे तो हमारे पास 35 बॉयज बच गए। अब क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पार्ट है बॉय ऑफ टोटल स्टूडेंट, हमने रेशियो मालूम करनी है बॉय टू टोटल स्टूडेंट। अब बॉयज हमारे पास कितने हैं, 35, टोटल कितने हैं हमारे पास, 60। अब इसकी रेशो निकालें तो हमारे पास क्या आएगी, 7:6। टेन आएगा, 5 पर डिवाइड करेंगे दोनों को तो हमारे पास 10 आएगा। अब सेकंड जो हमारे पास पार्ट दिया हुआ है मैं यहां कर देता हूं, बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स हमने रेशो निकालनी है। अब बॉयज हमारे पास 35 है, गर्ल्स हमारे पास 25 है, तो ये हमारे पास 7:5 बन जाएगी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। आज के हमने इस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो ए रेशियो बी एज फ्रैक्शन इन इट सिंपलेस्ट, यानी लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास 750 रुपीज, 1250 रुपीज, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी थी तो हमने सिंपली फॉर्म की तो हमारे पास 3:5 आया। इस तरीके से सेकंड पार्ट था हमारे पास 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर है और ये हमारे पास मीटर है, इसको हमने मीटर को सेंटीमीटर में बनाया, 100 से मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास 300 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 450 सेंटीमीटर। इसको मजीद सिंपलीफाई किया तो हमारे पास 3:2 आ गया। अब हमने रेशियो की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम काइंड की होनी चाहिए। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, ऐसा नहीं होगा सेंटीमीटर का कंपेयर करें हम मीटर के साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हमारे पास थर्ड पार्ट था 4 kg 2 kg 750 ग्राम। अब इसको हमने ग्राम को किलोग्राम में, ग्राम में बदला,
किलोग्राम को हमने ग्राम में बदला, हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड से मल्टीप्लाई